subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. दोस्तों बॉलीवुड में फिल्म फेयर अवार्ड में आलिया भट्ट ने रणवीर कपूर को सभी के सामने प्रपोज किया था, तभी सभी सितारे एक दूसरे को देखकर चौंक गए थे। यही नहीं, सभी ने कहा कि ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन बाद में सभी सितारे आलिया की बात को सुनकर हक्का बक्का रह गए। जबकि आलिया के प्रपोज के बाद सोशल मीडिया पर आलिया को कुछ फैंस तो खुश नजर आए, लेकिन कुछ फैंस की तरफ से आलिया को विरोध भी देखने को मिला। हालांकि फैंस ने तो अवार्ड को लेकर सवाल भी उठाने खड़े कर दिए, लेकिन दीपिका ने सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश की और सभी को शांत किया। आलिया प्रपोज करने के बाद कभी भी सामने नहीं आई, ना ही किसी फैंस के सवाल का जवाब दिया, लेकिन कल अचानक ही आलिया ने रणवीर और अपने रिलेशन को लेकर सवाल का जवाब दिया। दरअसल दोनों सितारों के रिलेशन को लेकर रोजाना कोई ना कोई उन्हें कुछ भी कह देता है, इसी वजह से दोनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। आलिया के बयान आने से पहले सभी को आस थी कि आलिया शादी को लेकर कुछ कहेगी, लेकिन उन्होंने तो फिल्म फेयर के समय दिए इंटरव्यू में आलिया ने बताया कि वो रणवीर के साथ अपने रिश्ते को दोस्ती के रूप में देखना पसंद करती है। और आलिया ने कहा यह एक रिश्ता नहीं है, यह एक दोस्ती है, लेकिन मैं इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ कह रही हूँ कि यह खूबसूरत है। और आपको बता दूँ कि मैं अभी सितारों और बादलों पर चल रही हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम दो व्यक्ति हैं जो अभी अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जब आलिया से रणवीर के पास्ट के बारे में पूछा गया तो आलिया ने कहा कि उन्हें समझना मुश्किल नहीं है, वो तो एक रत्न है। तो दोस्तों, क्या आलिया और रणवीर इन मुसीबतों के चलते तोड़ देंगे रिश्ता या करेंगे शादी? हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।